वेलकम बैक टू द शो. आप सुन रहे हैं फनेजा 700 AM. इस वक्त मेरे साथ इमरान खान मौजूद हैं. मिस्टर इमरान खान, वेलकम टू द शो. शुक्रिया जी. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला. इमरान साहब, मेरे बहुत सारे कॉलर्स ने बहुत सारे सवालात किए, उनमें से एक सवाल जो है वो आपके विजन को लेके बहुत उठा कि व्हाट इज योर विजन फॉर पाकिस्तान, हाउ डू यू प्लान ऑन अटैकिंग सच करप्शन एट दिस लेवल एंड हाउ डू यू प्लान ऑन क्लियरिंग इट आउट फ्रॉम द सोसाइटी. देखिए, पाकिस्तान का विजन है एक, जो फाउंडर्स, पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स का विजन था और वो है एक फलाई इस्लामी रियासत. वो ट्रांसलेट क्या होता है, वो ये होता है कि जिधर कानून की बालादस्ती हो, जिधर जमहूरियत हो, जो सॉवरन हो, और जिधर रियासत अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी ले. यानी कि आज कल की तरह नहीं कि जो सिर्फ एलीट के लिए, एक छोटे से तबके के लिए पाकिस्तान है. पाकिस्तान वो हो जो कि अपने जो निचला 50% तबका है उसके लिए पॉलिसीज बनाए, जिसको फलाई रियासत कहते हैं. तो और आप कहते हैं कि करप्शन कैसे टैकल होगी. करप्शन टैकल होती है हमेशा लीडरशिप अपनी मिसाल से, जब अपना खुद एहतसाब करती है, जब इदारे ऐसे बनाती है जो कि किसी में इम्तियाज ना करें. मसलन जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होती हैं जो गवर्नमेंट की करप्शन को चेक कर सकें, वो करप्शन बड़े आसानी से टैकल हो सकती है. करप्शन ये है कि टैकल हो नहीं सकती, ये करना नहीं चाहते, क्योंकि लोग ऐसे हैं जो कि अगर कोई आजाद करप्शन टैकल करने का या एंटी करप्शन अदारा हो तो इनमें से ज्यादातर आपके जो पॉलिटिकल बड़े बड़े नाम हैं ये सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि इनकी तकरीबन सारे लीडरशिप का पैसा, जायदाद, असासे बाहर पड़े हैं, मुल्क से बाहर पड़े हैं. और वो क्यों बाहर रखे हुए हैं इन्होंने, इसलिए कि या उन्होंने करप्शन बचानी है या टैक्स बचाना है. ठीक है. अच्छा इमरान साहब, ये बताइए कि बहुत लोगों ने ये सवाल किया कि आप गवर्नमेंट जो है वो अगर आप आते हैं पावर में तो मेजॉरिटी कौन होगा, आपकी कैबिनेट कैसे बनेगा. कैबिनेट बनेगी उन लोगों से जिनमें मिक्सचर होगी, जिसमें पॉलिटिकल लोग होंगे और जिसमें टेक्नोक्रेट्स होंगे. पाकिस्तान जो पॉलिटिकल लोग होंगे वो विजन देंगे, जिनकी ईमानदारी के ऊपर कोई शक नहीं होगा, और जो टेक्नोक्रेट्स होंगे वो मुल्क के अंदर मेरिट के ऊपर, ये नहीं कि कोई हमारी दोस्तियां होंगी, मेरिट के ऊपर. वो पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है, अभी भी सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़े लिखे क्वालिफाइड मुसलमान पाकिस्तानी है. और अगर आप सही लोगों को मेरिट के ऊपर ले आए तो पाकिस्तान में तो कोई भी इदारा बन सकता है. यानी आप शौकत खानम जैसा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पेशलाइज कैंसर हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप क्वालिटी यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं. पाकिस्तान के पास रॉकेट साइंस है, पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान के पास है तो कुछ भी कर सकता है. लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास काबिलियत नहीं है, हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है. पाकिस्तान चोरों और करप्ट लोगों और नाहिल लोगों के हाथ में फंसा हुआ है, लीडरशिप उनके हाथ में चले गई है. इसको कहते हैं, एक अंग्रेजी लफ्ज है, कैकिस्टोक्रेसी, रूल ऑफ द इनएफिशिएंट एंड करप्ट. एब्सोल्युटली. अच्छा इमरान, व्हाट इज योर टेक ऑन फॉरेन पॉलिसी, जो अमेरिका और ड्रोन अटैक को लेके काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी आपके कॉमेंट से, हाउ वुड यू कॉमेंट ऑन दैट. देखें, कोई भी जब सच बोलता है ना तो उसमें कंट्रोवर्सी होती है. कोई भी जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है. लेकिन इशू ये है कि पहले तो ड्रोन अटैक सारी दुनिया की ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन है. कोई दुनिया का कानून इजाजत नहीं देता. सस्पेक्ट, फिर से मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सस्पेक्ट, उनके बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, उन सबको एलिमिनेट कर दो एक बॉम्ब से, और उनके और साथ और भी वो लोग मर जाएं जो कि उस एरिया के इर्द गिर्द थे. तो ये हर दुनिया के कानून की वायलेशन है. और ये बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं, जिन और दूसरी चीज ये कि ये सॉवरेंटी की वायलेशन है, और तीसरी के काउंटर प्रोडक्टिव है. यानी कि इसका इससे कोई टेररिज्म कम नहीं हो रही, इससे बल्कि आग ज्यादा, ये इस तरह है कि आग के ऊपर तेल फेंकता, इससे टेररिज्म भी बढ़ रही है, रेडिकलाइजेशन भी हो रही है और मिलिटेंसी भी बढ़ रही है. ठीक है. तो इमरान, मोस्ट पीपल से दैट योर नाइविटी इज गेटिंग द मोस्ट ऑफ यू एज फार एज तालिबान सिचुएशन इज कंसर्न्ड, हाउ वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट. वो मेरी नाइविटी नहीं है, वो लोगों की नाइविटी है, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आई इस फिनोमेना की. मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसने सारा कबायली इलाका फहराया,
मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसने पूरी रिसर्च की और ट्रैवल बुक लिखी है कबायली इलाके पे, और मैं वो पॉलिटिशियन था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 2004 में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान की फौजें वजीरिस्तान में ना भेजो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2004 में कोई पाकिस्तानी तालिबान एग्जिस्ट नहीं करते थे। पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशंस, ड्रोन अटैक्स, कोलैटरल डैमेज यानी कि गांव के ऊपर बमबारी की, उनकी औरतें बच्चे मारे, और इससे पाकिस्तानी तालिबान को जन्म दिया। इससे पहले कोई पाकिस्तान में तालिबान नहीं था। 2004 में ऑपरेशन शुरू हुए, 2006 में पाकिस्तानी तालिबान बने, तो 2 साल की हिमाकत ने पाकिस्तानी तालिबान प्रोड्यूस किया। अच्छा इमरान, लोग ये भी कहते हैं कि आप रूरल मैसेस के साथ इतना कनेक्ट नहीं करते, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये वो लोग हैं जो अखबारों में सियासत पढ़ते हैं, इनको कहते हैं आर्म चेयर पॉलिटिशियंस। मेरा जो हल्का था मियांवाली का, उससे रूरल इलाका कोई नहीं है पाकिस्तान में। उधर रिकॉर्ड वोट्स दी थी मैंने, यानी मैं रूरल पॉलिटिक्स भी समझता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इनकलाब आ रहा है पाकिस्तान में, उसकी भी डायनामिक्स मैं समझता हूँ, और हमेशा इनकलाब शहरों से शुरू होता है, कभी भी देहात से शहरों में इनकलाब नहीं आया। कोई भी आप देखने पीछे जो इनकलाब आया जुल्फिकार अली भुट्टो का, वो शुरू हुआ था शहरों में, उसको जीटी रोड यानी कि जीटी रोड करके जो शहर थे वहां से शुरू होके फिर सारे देहात में गया, और ये अभी से शुरू हो गया इनकलाब पाकिस्तान में। और आज तो 50% पाकिस्तान देहात ही नहीं है, सिर्फ 50% रह गया देहात, जो तकरीबन 36% पाकिस्तान वो बिल्कुल अर्बन हो गया है, यानी कि वहां शहरी इलाका हो गया, और उसके अलावा 20% ऐसा इलाका है जिधर आबादी 5,000 से ऊपर की है, तो यानी कि छोटे शहर बन चुके हैं। तो इसलिए ये भी लोगों को गलत फहमी है देहात की, और ये देहात बदल चुके हैं टीवी की वजह से। अच्छा इमरान, ये बताइए कि आपका रिलेशनशिप एमक्यूएम को लेके बहुत अंडर क्वेश्चन आया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या अंडर क्वेश्चन आया कि अलायंस करेंगे पीटीआई एमक्यूएम के साथ, या आप उनके साथ कोई मुहायदा करेंगे, फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके? लेकिन पीटीआई ना किसी उस जमात से अलायंस करेगी जिसकी लीडरशिप करप्ट है, जिनकी जायदाद और पैसे बाहर पड़े हैं, और ना किसी उस पार्टी से अलायंस करेगी जो वायलेंस में बिलीव करते हैं, जिनके जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि ये पार्टीज के मुसल्ला विंग हैं, जिसमें एमक्यूएम का भी उन्होंने कहा कि इनके पास मिलिटेंट विंग्स हैं। हम कभी इनके साथ अलायंस नहीं कर सकते क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, थोड़ा सा मैं पर्सनल लेवल पे बात करूंगी कि हु इज इमरान खान एज अ फादर? आप हाउ डू यू कनेक्ट विद योर चिल्ड्रन, बीइंग यू नो एक ओवरसीज रिलेशनशिप है आपकी, हाउ डू यू टच देयर लाइव्स? देखिए मुश्किल तो है क्योंकि इतना टाइम नहीं गुजार सकता, लेकिन खुशकिस्मत भी हूँ इन अ सेंस कि सारी छुट्टियां बच्चे मेरे साथ गुजारते हैं, इट इज नॉट आइडियल लेकिन इट कुड बी मच वर्स। तो किसी तरह खुशकिस्मत भी हूँ क्योंकि कई माँ बाप को तो इतना टाइम ही नहीं मिलता बच्चों के साथ, मुझे छुट्टियां पूरी मेरे साथ गुजारते हैं, और बाकी फिर जब भी मेरी कोई ट्रैवल हो मैं कोशिश करता हूँ कि रुकूं उनके पास थोड़ी देर के लिए लंदन से जब भी गुजरूं। अच्छा इमरान, आपके पार्टी का मैनिफेस्टो भी है कि यू वांट टू बिफ्रेंड योर नेबर्स एंड द नेशंस दैट आर क्लोजर टू पाकिस्तान इन द करंट सिचुएशन वेयर अफगानिस्तान इज साइनिंग सिक्योरिटी पैक्ट्स विद इंडिया, व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? मैं समझता हूँ अफगानिस्तान ने ये बड़ी गलती की है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ, जिस तरह वो खुद भी कहता है हामिद करजई, हम ट्विंस हैं, हम जुड़े हुए हैं, उनको हमारी बहुत जरूरत है, क्योंकि सारी ट्रेड तो पाकिस्तान से जाती है, सब कुछ उनका कनेक्शन पाकिस्तान से है, और ये मेरे ख्याल में इन्होंने ये जो किया है ये आउटसाइड प्रेशर की वजह से किया है, और इससे सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो और सस्पेशन से देखेगी इस सब चीज को, और यानी कि अगर तो ये चाहते हैं अमन अफगानिस्तान में, तो क्या पाकिस्तान की जो मैं मिलिट्री की बात कर रहा हूँ, क्या वो चाहेगी कि एक तरफ दो तरफ से उनको हॉस्टिलिटी हो?
یعنی وہ تو پھر اس کو سیبوٹاج کریں گے کسی نہ کسی طرح, وہ پھر اپنے لوگ ڈھونڈیں گے. دیکھیں اگر امریکن پیس چاہتے ہیں افغانستان میں تو بہترین طریقہ تو یہ تھا کہ پاکستان, ایران جو نیبرز ہیں افغانستان کے اور طالبان, نارتھرن الائنس سب اکٹھے بیٹھ کے ایک براڈ بیس گورنمنٹ بنائیں. یہ عقل کہتی ہے. لیکن یہ جو حرکت کی ہے یعنی کہ ٹرینرز اب ہندوستان سے ٹرین ہو کے آئیں گے, میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی غلطی کی ہے, شارٹ سائٹڈ ہے یہ حامد کرزائی کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو عمران خان ایز اے پرائم منسٹر آپ ہاؤ وڈ یو ٹیکل دیٹ, ہاؤ وڈ یو ڈسٹنگوش ہوز فرینڈ اینڈ ہوز فو؟ دیکھیں ایز اے پرائم منسٹر میرا پرائمری کنسرن ہوگا پہلے تو پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا. جو قوم بھیک مانگ کے اور قرض لے کے گزارا کرتی ہے وہ کبھی بھی آزاد نہ اس کی فورن پالیسی آزاد ہو سکتی ہے نہ وہ قوم آزاد ہو سکتی ہے. اس کو ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جو آج ہمیں کرنا پڑ رہا ہے کہ سامنے ہے, جتنی قربانیاں دینے کے باوجود ہم آج بھی کس طرح ہمارے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے. 35,000 لوگ مروا چکے ہیں ہم کسی اور کی جنگ میں اور 70 ارب ڈالر کا اکانومی کو نقصان ہو گیا ہے, 35 لاکھ لوگ گھروں سے انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں قبائلی علاقے سے, اور پھر بھی ہمیں مزید اور دھمکیاں ملتی ہیں اور ذلت ملتی ہے. وہ اس لیے ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے, ہمیں قرضے لیتے ہیں بھیک مانگتے ہیں. تو سب سے پہلے تو پاکستان کو اکنامکلی وائبل کرنا ہے اور اس کے لیے صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کیا ہے, 1 ٹریلین روپیہ اکٹھا کرنا ہے ہم نے ٹیکسز سے. وہ انشاءاللہ میرا, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ ہم 1 ٹریلین نہیں, ہم 2 ٹریلین روپیہ اکٹھا کریں گے صرف ٹیکسز کو وصول کر کے. جو بڑے بڑے لوگ ہیں ٹیکس نہیں دیتے, کرپشن کو ٹیکل کر کے ہم یہ 2 ٹریلین روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں کسی کی غلامی کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے پیر پہ خوددار قوم ہو کے کھڑا ہو سکتے ہیں. پھر ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہوگی پاکستان کی, اور جب آپ اپنے پیر پہ کھڑے ہوں اور خودداری سے اپنی پالیسی بنائیں, اور وہ ہوگی, وہ کسی سے لڑائی لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ہم کبھی کسی سے نہ ڈکٹیشن لیں گے, اپنے لوگوں کے انٹرسٹ میں پالیسی بنائیں گے. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا عمران صاحب, میں نے سی این این کا آپ کا ایک انٹرویو میں کوٹ کروں کہ آپ نے کہا کہ آپ امریکہ سے فائنینشیل ایڈ نہیں لینا چاہتے پاور میں آنے کے بعد, ڈو یو اسٹل بیک دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی پاکستان کے لیے کینسر ہے فورن ایڈ. اس نے ہمارے ملک کو جتنا نقصان پہنچایا ہے, کبھی بھی اس کے اندر انویسٹیگیشن ہو پتا چلے گا کہ یہ صرف اور صرف ایڈ نے کرپٹ پالیٹیشنز کو, کرپٹ حکومت کو سسٹین کیا, اور عوام کو کوئی اس ایڈ کا فائدہ نہیں ہوا. اگر ایڈ کا کبھی بھی دنیا میں چیلنج کرتا ہوں کہ کتنے ملکوں کو ایڈ کا فائدہ ہوا ہے, سوائے مارشل پلان جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تھا, اس کے بعد آپ دنیا میں ایڈ سٹڈی کر لیں, وہ صرف اور صرف کرپشن کو آگے بڑھاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو ایڈ ملتی ہے تو جو آپ کو اصلاحات کرنی ہوتی ہے اپنے ملک میں, جو آپ کو اپنے بجٹ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے, اپنے خرچے اور آمدنی کو بیلنس کرنا ہوتا ہے, جو ریفارمس کرنی ہوتی ہے, وہ سب نہیں کرتے آپ. اب اگر آج ایڈ نہ ملے تو آصف زرداری کتنی دیر آفس میں رہے گا؟ یہ صرف اس, یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کرپٹ گورنمنٹ اور نااہل گورنمنٹ صرف آج اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ ان کو امریکن ایڈ مل رہی ہے. عوام غریب ہو رہی ہے, عوام مر رہی ہے, یہ صرف گورنمنٹ سسٹین کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ ایڈ تو ہمارے لیے قرض تھا, یہ ایڈ نہ ہوتی شاید ملک کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہوتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عمران خان فار بینگ ود اس, اٹس بین این آنر ٹاکنگ ٹو یو سر, تھینک یو.